बातचीत हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं, आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं सब काम करते हैं, आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं, अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा, पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे।